मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं 4 साल की थी तब से ही मैंने भागवत कथा, भजन संध्या, श्री राम कथा, तमाम सभी प्रोग्राम्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे। और मैंने 8 ईयर का डिप्लोमा किया है एशिया नंबर वन संगीत महानगरी खैरागढ़ से। हिंदुस्तान फैमिली बैकग्राउंड है। मैं बताना चाहूंगी कि परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से हमारा परिवार ताल्लुक रखता है। और जो मेरे पिताश्री हैं वो परम पूज्य शंकराचार्य महाराज जी के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो मेरे दादा दादी के समय से अपने घर में मैं इस तरह का आध्यात्मिक वातावरण देखती हूँ। मेरे माता पिता भी वैसे ही हैं और मैं तो स्पिरिचुअल और रिलीजियस बचपन से ही हूँ। देखिए, मैंने किसी भी न्यूज चैनल में या मीडिया में ये नहीं कहा है कि मैं शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ या शादी करने जा रही हूँ अब या दुल्हन बनने जा रही हूँ। जब से मैंने गंगा कलश यात्रा की है, जो मेरी मनोकामना है, वो जो मेरा संकल्प है, वो सिर्फ श्री बालाजी महाराज को पता है और इसके अलावा किसी को नहीं पता। हाँ, लोग इसको, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम जा रही हूँ तो कई लोग कह रहे हैं कि मैं शादी करने जा रही हूँ, मनचाहा वर पाने जा रही हूँ। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं अपने हाथों में माला लेके जा रही हूँ, मैं जो पूज्य महाराज जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी को बताना चाहूंगी कि इस बातों में जितनी भी सच्चाई है, जब मैं परम पूज्य महाराज जी के साथ में परस्पर लाइव आऊंगी, तो क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणा निधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बिल्कुल पर्चा बना के रेडी रखते हैं। तो जब भी अगर मुझे मौका मिला, बालाजी महाराज की कृपा हुई, अगर मैं पूज्य महाराज जी के दर्शन कि अगर मेरी जो लालसा है वो पूरी होती है, तो मुझे विश्वास है वो मेरे मन की बात भी जान ही जाएंगे और वही आप सब लोगों को बता देंगे। देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जो भी मेरा संकल्प है, जो भी मेरी मनोकामना है, क्या वो शादी को लेकर ही है या शादी के अलावा और भी कुछ है या ये बिल्कुल ही नहीं है, इस सब के बारे में मैं 16 जून के पहले नहीं कहूंगी। कि जो मेरा संकल्प है वो मैं जब मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी बागेश्वर धाम जाके, तब मैं खुद सबके सामने लाइव आके बताऊंगी मेरा क्या संकल्प था और इन सभी बातों में कितनी सच्चाई। देखिए, मुझे कलश यात्रा करनी ही थी क्योंकि मैं बचपन से हनुमान जी की उपासक रही हूँ, तो मुझे कलश यात्रा करनी ही थी। और 2021 से मैं करीब महाराज जी को कंटिन्यू फॉलो करती आ रही हूँ। और लिटरली मैं बताना चाहूंगी, जब से मैं बागेश्वर धाम में अपने आप को मैंने समर्पित किया है और जब से मैं बागेश्वर धाम के चरणों से जुड़ी हूँ, तब से मेरा लाइफ में जो सडन चेंजेस आए हैं, मैं उसको मतलब बयान नहीं कर सकती। बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बिल्कुल ही बदल सी गई हूँ, मेरा जीवन ही पूरा बदल गया है। और क्यों ना बदले, तो मेरी आस्था बागेश्वर धाम में दिन पर दिन बढ़ती चली गई। तो मैंने सोचा चलो इस यात्रा निकालते हैं। मैंने तो कहा था कि हरिद्वार से बागेश्वर चलते हैं क्योंकि हम लोग हरिद्वार रहते, से बागेश्वर धाम चलेंगे। सबसे पहली बार ही जा रही हूँ, हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और मेरे पिताश्री जा चुके हैं इसके पहले 5-6 बार और महाराष्ट्र से परस्पर मुलाकात भी हुई है। मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं केवल बालाजी सरकार की एक दासी हूँ। आप सभी लोग, सभी मेरे भक्त परिवार मुझे नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने प्रभु की दासी हूँ। देखिए, मैं तो अपने बालाजी सरकार की भक्त हूँ। कुछ लोग मुझे बिल्कुल ही, मेरी बातों को बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी पब्लिसिटी फेम पाने के लिए महाराज जी का बदनाम करती हूँ और पता नहीं तरह तरह से क्या है। तो मैं उन सभी ट्रोलर्स को एक ही जवाब देना चाहूंगी कि लोगों के मुंह है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और मैं तो अपने ट्रोलर्स को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। ना ही आप लोग मुझे ट्रोल करते, ना ही मुझे इतने बड़े बड़े चैनल जैसे आप ही का चैनल मुझे कवर कर रहा है और भी तमाम बड़े बड़े चैनल मुझे कवर करते। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा है, हर कोई अपने हिसाब से मानता है। मेरी जो भी मनोकामना है, जो भी मेरे मन की इच्छा है, मुझे लगता है मेरे बालाजी सरकार वो समझ चुके हैं क्योंकि मैंने केवल अपने बालाजी महाराज को बताया है। जब मैंने गंगा कलश उठाया था तभी मैंने अपनी मनोकामना, मेरा संकल्प मैंने बालाजी के चरणों में समर्पित कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पूज्य महाराज जी के सामने जाऊंगी तो जो भी मेरे मन में है वो सबका पर्चा बिल्कुल रेडी कर देंगे वो लिख। मेरे परिवार में मेरा एक छोटा भाई है, वो तबला बजाता है और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का शिष्य है, उनसे उन्होंने शिक्षा ली है अपने तबले की। और मेरा भाई मेरे साथ में सपोर्ट में रहता है, हमारे कई वीडियोस भी वायरल होते हैं हम दोनों के साथ में जुगलबंदी में करते हुए। और मेरी मम्मी का भी बहुत सपोर्ट है इस यात्रा में और मेरे पापा तो इस यात्रा में साथ में ही है मेरे। और जब ये सब जो भी न्यूज में चल रहा है, जब ये सब मेरी मम्मी पापा ने देखा,
तो मैंने कहा कि भाई देखो क्या क्या चल रहा है न्यूज में, पापा ने कहा बेटा चाहे कुछ हो जाए हम तुम्हारे साथ में हैं, बस जो भी हो रहा है चलने दो, शायद यही बालाजी की इच्छा हो।